हेलो एवरीवन, क्योरोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अमूल्या कंपनी के एक बहुत बेहतरीन टैबलेट है यूटेरिन केयर, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि यह किस तरह के मेडिसिन हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोज में स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप डब्बा देख पा रहे हैं, यही अमूल्या यूटेरिन केयर के कैप्सूल्स के ये डब्बे हैं। ये ठीक इसी तरह के दिखते हैं। इस डब्बे में 30 कैप्सूल्स मौजूद हैं। यह प्योर हर्बल्स मेडिसिन है। सबसे पहले हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस 440 रुपया है, यानी 440 रुपीज़ इसकी प्राइस है। एक्सपायरी डेट लगभग इस मेडिसिन का यूज करने का लगभग आपको एक साल समय मिलेगा। आप एक साल तक इस मेडिसिन को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो प्रत्येक 500 mg में किस तरह इसका कंपोजिशन दिया गया है जानते हैं। धत्की पुष्प 75 mg, शतावरी 50 mg, अशोका 50 mg, अर्जुन 50 mg, लोधर 50 mg, गिलोय 25 mg, आमला 25 mg, दारू हल्दी 50 mg, मकोवे 50 mg, वाला 50 mg, गोक्सूरा 25 mg। इसमें बहुत तरह के इसमें कंपोजिशन डाले गए हैं, जिससे मिलकर यह एक बेहतरीन दवा बनाई गई है। यह बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इस मेडिसिन की सबसे खासियत यह है कि यह स्पेशली यूटेरिन एंड मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर में यह बहुत कारगर साबित होता है। अगर हम बात करें तो यह गर्भ व्यवस्था और मासिक धर्म जो कि लड़कियों में आती है, उसमें यह बहुत रामबाण की तरह यह काम करता है। अक्सर हमेशा हंसने वाली चंचल लड़कियां भी महीने के कुछ दिन दबी दबी दुखी सी शर्माती खुद को छिपाती नज़र आती है। और इसी वक्त पर हम गौर करें तो पाएंगे कि घर परिवार के कुछ लोग भी उससे कटे कटे रहते हैं। कई चीज़ों को छूने, कई जगह जाने पर भी मनाही होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझे, हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की। यह केवल महिलाओं ही नहीं, पुरुषों यूं कहें तो मानव वृद्धि के लिए सबसे अहम घटना है। तो चलिए आज हम जानते हैं पीरियड्स क्या होते हैं और यह क्यों आते हैं, इसका सही समय क्या है। पीरियड्स या मासिक धर्म स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाला लाल रंग के श्राप को कहते हैं। पीरियड्स के विषय में लड़कियों को पूरी जानकारी नहीं होने पर उन्हें बहुत दुविधा का सामना करना पड़ता है। पहली बार पीरियड्स होने पर जानकारी के अभाव में लड़कियां बहुत डर जाती हैं, उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है और अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया से ही मनुष्य का ये संसार चलता है। मानव की उत्पत्ति इसके बिना नहीं हो सकती। प्रकृति ने स्त्रियों को गर्भाशय, ओवरी, फेलोपिटियन ट्यूब, वजाइना देकर उसे संतान उत्पन्न करने का अहम क्षमता दिया है। इसलिए पीरियड्स या मासिक धर्म गर्व की बात होनी चाहिए, ना कि शर्म की बात या हीनता की हीन भावना महसूस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पीरियड्स मासिक धर्म को एक
समान शारीरिक गतिविधि ही समझना चाहिए, जैसे उबासी आती है या छींक आती है, भूख प्यास लगती है या सुसुपोटी आती है। मासिक चक्र के दिन की गिनती से पीरियड से शुरू होने के पहले दिन से अगली पीरियड से शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। लड़कियों में मासिक चक्र 21 दिन से 45 दिन तक हो सकता है, महिलाओं को मासिक चक्र 21 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। सामान्य तौर पर मासिक चक्र 28 दिन का होता है। अब हम जानते हैं मासिक चक्र के समय शरीर में परिवर्तन। सबसे पहले हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण मासिक चक्र के शुरू के दिनों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन शरीर को स्वस्थ रखता है, विशेषकर ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने इतना कुछ जाना इसके बारे में, तो ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं यह बिल्कुल कारगर है, यूटेरिन एंड मेस्ट्रुअल रेगुलेटर। इसे जिन महिलाओं या जिन लड़कियों की ज़रूरत है उन्हें इसका अवश्य सेवन करनी चाहिए। सेवन करने से पहले आप इस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, ताकि वो आपको अच्छा एडवाइस बता सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।